Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum Satyo. I am Mrs. Anila Imran. You are watching UV Educational Center. Aaj jo hai hamari poem William Blake ki hai. William Blake ki Holy Thursday from Innocence. Lekin usse pehle hum inki biography ke bare mein kuch jaan le ki ye kab paida hue aur inhone kis era mein kaam kiya aur kis tarah ka inka kaam tha. और ये कैसे शायर थे. इसके बाद हम इसकी टेक्सचुअल लाइन की तरफ जाएंगे, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ जाएंगे, कुछ मेन पॉइंट्स की तरफ जाएंगे, थीम्स की तरफ जाएंगे, राइमिंग स्कीम्स की तरफ जाएंगे. बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको जो है शेयर की जाएंगी हमारी इस वीडियो में. और थैंक्स अ लॉट फॉर योर सब्सक्रिप्शन एंड योर व्यूज़, एंड प्लीज़ मोर शेयर एंड मोर सब्सक्राइब सो यू विल गेट मोर वैल्यूएबल वीडियोज़ ऑन डिफरेंट topics next inshallah. Okay, let's start. William Blake was born in 1757 and died in 1827. It's very easy to understand that 777, many of the sevens are there, aur ye yaad karna aasan hoga. He was an English poet. Wo English poet hai and painter, aur painter hai kyunki wo is shobe se bhi munsalik rahe. William Blake is known to be one of the first figures of the romantic movement. Ab ye jo romantic movement hai, it is the most important point. Isko hume yaad rakhna hai ki jo romantic movement hai, ye romantic era bhi kehlata hai, romantic period bhi kehlata hai. Aur iska jo start hua wo 1800 se 1815 tak hai, aur ye Europe se shuru hua aur is tarah ye phailta phailta dur daraz tak chala gaya. और इस पीरियड में जो आर्टिस्ट थे वो लिटरेरी जो थे अपने मूवमेंट के साथ चलते थे, और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी ये. ये जो रोमांटिक पीरियड थी ना, इज़ एन इन आर्टिस्टिक लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट. इसमें ये इस किस्म की शायरी चलती थी, जैसे परियों वाली शायरी नहीं थी और जिन्नों भूतों वाली ख़त्म हो गई, बादशाहों वाली ख़त्म हो गई. तो रोमांटिक इरा में एक और लिटरेरी टर्म आ गई, आर्टिस्ट का अपना इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू आ गया. आगे चलते हैं. बोथ इन पोइट्री एंड पेंटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि वे पोइट भी थे और पेंटर भी थे. ही इज़ ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज अ प्री रोमांटिक. इन्हें प्री रोमांटिक भी कहा जाता है, यानी रोमांटिक से आने वाले, अभी रोमांटिक स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले आए हैं, प्री रोमांटिक हो गए. इसके भी शायरी ने माना जाता है. हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, अब इसके जो बहुत ज़रूरी काम थे, आर हिज प्रोफेटिक वर्क. हिज प्रोफेटिक वर्क्स हैं, ये प्रोफेटिक जो होते हैं ये अल्हामी काम है, मुस्तकबिल के बारे में इशारे देने वाले काम है. यानी उन्होंने माशरे में फैलने वाली बुराइयों का बताया, उन प्रॉब्लम्स का बताया जो मिसगाइडनेस की वजह से हो रही थी या केयरलेसनेस की वजह से हो रही थी. यानी सोसाइटी के टॉपिक को उठाया, तो ये उन्होंने एक नया टॉपिक उठाया था. और ये उनका प्रोफेटिक इसलिए भी कहा जाता है कि ये बड़े सफ़ुवाना किस्म के बंदे थे, इनका कोई स्कैंडल नहीं था, बड़े डिफरेंट जो थी नेचर थी इनकी. अब इनकी जो आगे वर्क्स हैं उनके नाम ये हैं, द बुक ऑफ लॉयस. लॉयस का जो लुगवी मीनिंग है वो हैरानी और परेशानी में आता है. यानी ये इस किताब में हैरानी और परेशानी की किताब, ये इन्होंने कुछ टाइटल ऐसा चूज़ किया है, द सॉन्ग्स ऑफ लॉयस. अब ये उसी के ही लॉयस के ही सॉन्ग्स आ रहे हैं, और लॉयस में भी इनका कोई बाइबलिकल करैक्टर और कोई दूसरा करैक्टर भी हो सकता है. विला, विला का मफहूम अगर देखा जाए तो ये जो पालंगों के साथ झालर लटक रही होती है, ये वैसा मीनिंग है इसका. लेकिन ये चूँकि कैपिटल है तो यहाँ पर ये अपनी बुक्स के नाम के हवाले से लिखें तो किसी पर्सन प्लेस एरिए का नाम हो सकता है. द बुक ऑफ लॉस, द सॉन्ग्स ऑफ लॉस, विला और द फोर जियोज. अब ये जो जियोज है ना, ये हैवानात के मीनिंग्स में जाता है, उन मीनिंग्स में जाता है जहाँ पर हम एनिमल्स की कैटेगरी को शो करते हैं. अपनी तरफ से वो फीलिंग्स बताना चाह रहे होंगे इन बुक्स में उन्होंने किसी किस्म की शायरी की, लेकिन चूँकि हमारा टॉपिक ये बुक्स नहीं है, हमारा टॉपिक है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, जिसे हम मास्टर्स में स्टडीज़ करने वाले हैं. और उसी टॉपिक के अंदर हमने डीप जाके स्टडीज़ करनी है, और उन्हीं उनकी इसी बुक में से ये पोइम भी बाहर आई है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं. एंड मिल्टन अ पोइम, एक मिल्टन पोइम भी है, अमंग मैनी अदर्स, दूसरों की दूसरी बहुत सी पोइम्स के साथ. अदर नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, नोटेबल होते हैं काबिल जिक्र जो उनके काम है उसमें शामिल है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, दैट्स अवर मेन टॉपिक. द मैरिज हैवन एंड हेल, इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड यरूशलेम,
ये भी उनकी एक पोइम है और उनका वर्क है एक. विलियम ब्लेक्स वर्क हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल एंड मिस्टिकल व्यू. फिलोसफिकल वही होते हैं ये सूफियाना किस्म के, फलसफियाना किस्म के और सूफियाना किस्म के इनके तासुरात हैं. मिस्टिक है सूफियाना और फिलोसफिकल फलसफियाना, फलसफियों वाली बातें करते थे, बड़ी सूफियाना किस्म की बातें करते थे. पोर्ट्रेड इन अ वेरी क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म, पोर्ट्रेट किया उन्होंने, पेश किया है उसको, तस्वीर कशी की है उसकी बहुत ही ज़्यादा तख्लीकी अंदाज में और एक्सप्रेसिव बयानी अंदाज में. ही वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया बिहाइंड द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. चूँकि उन दौर में, उस ज़मानों में अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस भी आ रहे थे, ये भी तब्दीली रूनमा हो रही थी, और इस तब्दीली के रूनमा होने पर ही वो जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, मुतासिर थे इनके आइडियाज़ से, जिसको उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया है. अब सबसे पहले इनके नाम का मतलब देखते हैं जनाब. इज ब्लेक अ ब्लेक नेम, क्या ये ब्लेक अ ब्लैक नेम है? ब्लेक मीनिंग, अब ब्लेक के जो मीनिंग्स है वो क्या है? इंग्लिश वेरिएंट ऑफ ब्लेक. अब इंग्लिश में देखें तो इसके वेरिएंट हैं, मुख्तलिफ ब्लेक हैं. लाइक मीनिंग स्वार्दी, इसका मतलब सियाह. द डार्क हेयर्ड, इसका ये भी कहा जाता है जिसके काले बाल हों. और फ्रॉम अ बे फॉर्म, अ बे फॉर्म का मतलब है जो बनाता है, मोल्ड करता है, पैटर्न देता है, शेप देता है. द ओल्ड इंग्लिश एडजेक्टिव्स, पुरानी इंग्लिश की सिफात को, जैसे ब्लेक, ये इसका प्रोनंसिएशन स्टाइल है, बी एल ए सी ब्लेक, बी एल ए सी के ब्लैक, ब्लैक ब्लेक ब्लैक, विद चेंज ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स को चेंज करके और उसकी लेंथ को चेंज करके. इंग्लिश निक नेम फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, ब्लेक वेन फेल वाइट फेयर, ये सारे इनके जो है ना डिफरेंट नाम हैं. जैसे हमारे यहाँ नाम हो सकते हैं, अगर लगाएं आप किसी का, अगर कोई नाम रखते हैं तो उसे कहते हैं कालिया, कालू या काला, ये नाम होते हैं ना. तो इस तरह से इनका ये नाम था. और मे भी आगे बता रहा है कि उनके डार्क हेयर थे और उनके काले सिया बाल थे, जिसकी वजह से उनका ये नाम पड़ गया होगा. अब डज ब्लेक मीन, व्हाट डज ब्लेक मीन, इसका मतलब क्या है? ब्लेक इज़ अ सरनेम, सरनेम होता है. यहाँ पर ये इनकी खानदानी कनियत का नाम है. वैसे इसका मतलब तो वही आ गया जो हम बच्चों की जो है शक्लो शबाहत के हिसाब से नाम रख देते हैं, लेकिन इनका ब्लेक नेम है इनकी कनियत की वजह से. और अ गिवन नेम, मे बी कोई गिवन नेम दिया गया होगा, विच इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश. ऑरिजिनेटेड होता है जो वहाँ से शुरू हुआ हो, पुरानी इंग्लिश से शुरू हुआ होगा. इट्स डाइवरेशन इज़ अनसर्टन. अब इसका जो हसब नसब है, इसका हासिल करना कि कहाँ से आया, कैसे आया, ये अखज़ करना जो है ना गैर यकीनी है. इट कुड कम फ्रॉम ब्लैक, ये ब्लैक से भी आ सकता है. अ निक नेम फ्रॉम समवन हु हैड डार्क हेयर और स्किन, या जिसके बाल काले हों उसकी स्किन काली हो. और फ्रॉम ब्लैक, अ निक नेम फॉर समवन विद पेल हेयर और स्किन, या ऐसा भी हो सकता है कि जिसका जर्द चेहरा, जर्द बाल हों, वो भी हो सकते हैं. अनदर थ्योरी इज़ दैट इट इज़ करप्शन ऑफ एप लेक, मीनिंग सन ऑफ लेक. ये भी कहा जा सकता है कि मे बी ये जो करप्शन किया गया है, ये मिक्स कर दिया गया है सन ऑफ लेक को बे लेक और एप लेक, इस तरह से. आगे चलें तो व्हाट डज ब्लैक मीन बाय इनोसेंस, अब व्हाट डज ब्लेक मीन्स, इनका इनोसेंस से मतलब क्या है? चूँकि ये हम उसी की पोइम पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी हम पहले हिस्ट्री देख रहे हैं. विलियम ब्लेक डिस्क्राइब्स इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एज द टू कंट्रेरी स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन सोल. ह्यूमन सोल की दो मतनाज़ा जो हैं हैसियत हैं, बयान हैं, ये उनके तजर्बात और मासूमियत दो को वो बताते हैं. ब्लेक डिस्फायर्स, ब्लेक डिस्फायर्स, अब ये जो ब्लेक हैं वो डिस्फायर्स करते हैं फैसला कुन अंदाज में बिटवीन द टू, इन दोनों के दरमियान डिस्फायर्स करते हैं, फैसला कुन अंदाज पेश करते हैं किन दोनों के दरमियान? इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के दरमियान. बिकॉज दे आर इंडीड डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों इंडीड होते हैं वाकई डिफरेंट, वाकई ये दोनों मुख्तलिफ हैं, मासूमियत और तजर्बात डिफरेंट है. वट ब्लेक मीन्स बाई इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब क्या है?
is more toward a youthful, जवानी की तरफ. Naive, naive होता है साधारण, भोला भाला. Naive, इसकी तरफ. Morally, morally अहलाकी तौर पर. Unambiguous, unambiguous, unambiguous जो होता है मशकूक और वाजिया, वैसा हो जिसमें कोई तासुर वाजिया क्लियर ना आ रहा हो या क्लियर होने की वजह से कुछ उसमें शको शुबाहत पैदा हो रहे हो. एंड इनएक्सपीरियंस्ड करैक्टर, ऐसे करैक्टर को शो करते हैं कि जो भोला भाला हो, सादा लो हो और वो ना तजर्बाकार हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, क्योंकि वो इनोसेंस में है और वो अहलाकी तौर पर जो है वो जिससे कहते हैं वाजिया भी है, अनएम्बिगुअस भी है और मशकूक भी है. बस कहते हैं ना कि वो जितना ये नज़र आता है भोला इतना है नहीं, जलेबी की तरह भोला लग रहा है, वो कुछ मशकूकात शको शबाहत भी आ जाती हैं. व्हाट हैपन्स ऑन होली थर्सडे, अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हुआ क्या था. मंडे थर्सडे ऑकर्स ड्यूरिंग होली वीक्स, ये दोनों दिन जो आते हैं ये होली वीक्स में आते हैं, यानी अच्छे दिन कहलाए जाते हैं, मुकद्दस हफ्ते में आते हैं. एंड रिमेंबर्स, वो याद किए जाते हैं व्हेन जीसस क्राइस्ट, जो जीसस थे हज़रत ईसा, इंस्टीट्यूटेड द, अब ये इंस्टीट्यूटेड को पहले हम देख लें कि हज़रत ईसा के बारे में ये पोइम है. और ये एक इदारा है, इल्म व फ़नून की एक जुमात है जो फोक्रिस्ट करती है. फोक्रिस्ट है मसीही रस्म, मसीही रस्म और रिवाज से ये तल्लुक़ रखती है. क्राइस्ट की इंस्टीट्यूटेड, जो जीसस क्राइस्ट की इंस्टीट्यूटेड होती हैं उनकी मसीही रस्मात होती हैं. द इन क्राइस्ट ड्यूरिंग द लास्ट सुपर, और कौन सी रस्मात हैं, कौन से ये मुकद्दस रस्में हैं जो इस फ़नून व इल्म में शामिल हैं, जो उनके आखिरी सुपर यानी रात के खाने के दौरान की हैं. एंड इवन डैट इज़ टोल्ड इन क्रिस्टाइन बाइबल, जो बाइबल में बताया गया है कि उन्होंने अपना जो है अपने क्रूसिफिकेशन से पहले जो रात का खाना खाया वो किन के साथ खाया, किन हालात में खाया, किन लोगों के साथ खाया, किन उन्होंने दगा की, ये उसके बारे में आ जाता है होली थर्सडे का टॉपिक. होली थर्सडे आल्सो कमेमोरेट्स, किसको करती है ये कमेमोरेट्स करती है, याद दिलाती है और एक दिन मनाया जाता है. द इवेंट्स, उन वाकयात का, डैट टुक प्लेस, जो वाकया होते हैं ऑन द नाइट बिफोर जीसस क्रूसिफिकेशन. ठीक है, होली सुपर जो है वो रात का खाना है और अगली सुबह उनकी क्रूसिफिकेशन हुई, उसके बारे में बताते हैं. अब ये सॉन्ग में एक लाइन आने वाली है, ट्रम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, इज दैट ट्रम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, क्या ये ट्रम्बलिंग क्राई जो है ये एक गाना है. ये इनकी होली थर्सडे 2 से लिया गया है, क्योंकि होली थर्सडे 1 जो है इसकी और इसकी निशानी बताने का ये मकसद है कि होली थर्सडे 1 जो हम अभी करने जा रहे हैं इसकी जो लाइंस हैं वो लॉन्ग हैं, और ये जो होली थर्सडे 2 है इसकी लाइंस जो हैं वो शॉर्ट हैं, ये उसका फ़र्क है. इन द पोइम, इस पोइम में होली थर्सडे फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ब्लेक डिस्क्राइब द पब्लिक अपीयरेंस ऑफ चैरिटी, पब्लिक अपीयरेंस बताते हैं लोग नमूदार हो रहे हैं, ऑफ चैरिटी स्कूल, चैरिटी स्कूल चिल्ड्रन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बाहर. इन द एस्टिप हॉल्स कैथीड्रल, इस कैथीड्रल से बच्चे आ रहे हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं. ऑन असेंशन डे, असेंशन डे वही है हज़रत ईसा की क्रूसिफिकेशन का दिन जब उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया. द सॉन्ग डैट हैड साउंडेड सो मजेस्टिक, ये जो साउंड्स, ये जो सॉन्ग्स हैं वो लगते हैं बड़े शानदार. इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में श्रिवल्स, जो कि हमें सुकड़ा देते हैं, मुरझा देते हैं, कपकपा देते हैं. हेयर टू बी आर ट्रम्बलिंग क्राई, कि क्या ये एक ट्रम्बलिंग क्राई है. What are the major themes in the poem Holy Thursday? Holy Thursday के major themes क्या हैं? The point wishes to convey that the children are like angels. ये जो children हैं ये फरिश्ते लग रहे हैं, pure in hearts, इनके दिल साफ हैं, so it is better to love them, और ये बेहतर है कि इनसे प्यार किया जाए. Then drive from away, द वो इससे अलग हो जाता है, इनोसेंस से एक्सपीरियंस में चला जाता है. द थीम ऑफ इनोसेंस इज द बेस ऑफ द पोइम, इस पोइम का थीम ही इनोसेंस है, क्योंकि बच्चों के बारे में है, बच्चे किस तरह मूव करते हैं, किस तरफ को जाते हैं, जो उन्हें जिस तरफ लेके जा रहा है, उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनकी नातजुर्बाकारी और उनकी सादा लोह तबीयत को शो कर रहा है, बच्चों की.
But the innocence we have in our childhood changes with experience. ये definition 2018 की है कि ये जो है बच्चों की innocence जो होती है वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती है. अब Holy Thursday क्या बता रही है? Holy Thursday depicts a particular ceremony, एक बड़े ही खास मौके को बताती है, which takes place in England, जो कि इंग्लिश में वाकया हुआ है, in William Blake's time, उनके वक़्त में, इन्होंने खुद इसमें शिरकत की थी. Holy Thursday was the name given of the ceremony, ये वो नेम है जो उस तकरीब को दिया गया था, that took place on Ascension Day, जो Ascension Day पर वाकया होती है. On Ascension Day, ये याद रखना है कि A और D capital डालने हैं Ascension Day के, क्योंकि ये proper noun है. On Ascension Day, children from charity schools went to St. Paul's Cathedral. इसके भी capital letters को consider करना है, और अगर इनके नाम आ जाते हैं हमारी assignments में और हमारे answers में, तो marks gaining हो जाते हैं. अब ये उस St. Paul's Cathedral में जा रहे थे Ascension Day पर, and they took part in a special service in the church. और church की एक बड़ी खास जो है खिदमत भी सर अंजाम दे रहे थे. William Blake uses a concrete historical event in order to reflect on human attitudes and poverty in England. William Blake ने हमें बताया अपने बड़े ही जिसे मजबूत किस्म के तारीखी इवेंट्स को, इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट ऑन, के अक्स डाले, उन पर रोशनी डाले ह्यूमन एटीट्यूड्स, उनके रवैयों पर और इंग्लैंड की गुर्बत पर आल्सो. अब इस पोइम में देखते हैं, द पोइम कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टैंजास विद टू राइम्ड कपलेट. दो राइम्ड कपलेट हैं, दो कपलेट होते हैं, दो से मिलकर जो एक शेर बनता है वो उसकी राइम स्कीम है. ईच एम ए ए बी बी राइम स्कीम, ए ए बी बी राइम स्कीम. राइम स्कीम वही है जो एक सेंटेंस के लास्ट में वर्ड का साउंड होता है वो अगले सेंटेंस के लास्ट में सेम साउंड हो, और वो राइम स्कीम ए ए कहलाएगी. हम स्टडीज करते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं, और इस सेकेंड वाले की दो अगर सेम है तो डैट वुड बी बी बी, तो ये बी बी कहलाएंगे. The lines in the poem tend to be longer than those in the rest of the collection. वही बात है कि अभी हमने वो लाइन पढ़ी, इज द ट्रम्बलिंग क्राई, इज द सॉन्ग इज अ ट्रम्बलिंग क्राई, और सॉन्ग इज ट्रम्बलिंग क्राई, वो बहुत शॉर्ट लाइन थी, वो होली थर्सडे टू से ली गई है. और इस पोइम की, ये जो होली थर्सडे वन की है, लाइन्स लॉन्गर हैं, लंबी हैं, इनके लेंथ ज़्यादा है दूसरी नज़मों से जो इस कलेक्शन में शामिल है. किस कलेक्शन में? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में. एज द एक्सटेंशन जेस्ट, अब ये एक्सटेंशन जो है ये है ये जो फैलाव और ये जो तोसी करना, ये जेस्ट करता है, ये तजवीज़ देता है. द चिल्ड्रंस प्रोसेशन, बच्चों का इजलास, इन टू द कैथीड्रल, उस कैथीड्रल में, उस चर्च में जो St. Paul's था. This particular form has a long like rhyme. इस particular form, इस खसूसी किस्म की शक्ल में एक बहुत लंबी मतवाजन ताल है, हम आहंगी है, ले है, रिदम है इसके अंदर. सॉन्ग्स लाइक रिदम, अगर हम इसको कहें तो हम इसे ले ताल के साथ एक गाने के तौर पर भी गा सकते हैं, यानी इसमें एक रिदम है. A representation of the children's innocence, children के जो innocence है उसकी नुमाइंदगी की गई है, which contrast with the narration of their exploitation. Exploitation होता है नजायज़ फ़ायदा उठाना, मुनाफा हासिल करना, इस्तेहसाल करना, बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठा कर, तो उसका इस्तेमाल करके इन्होंने उस दिन पर कितना काम लिया, ये हमें विलियम ब्लेक बताना चाह रहे हैं. और ये उनका कंट्रास्ट कर रहे हैं कि नरेशन और बताने वाला और नजायज़ फ़ायदा उठाने वालों के दरमियान फासला बता रहे हैं. अगर हम इस पोइम की तरफ आते हैं तो इस पोइम में स्टैंजास हैं जस्ट तीन, और ये तीन स्टैंजास जो हैं ये अपने अंदर एक पूरा थीम रखते हैं जिसको हमने देखा है पीछे. अब लाइन टेक्सचुअल हैं, उनकी तरफ चलते हैं. इट वाज अ होली थर्सडे, देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन. किन के इनोसेंट फेसेस थे? ये चिल्ड्रन के थे जो मार्चिंग कर रहे थे चर्च की तरफ, उनके चेहरे साफ सुथरे थे. इवन के ये जो यतीम बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, ये आम दिनों पर इतने साफ नहीं होते, लेकिन आज उनके फेसेस क्लीन थे. द चिल्ड्रन वॉकिंग टू एंड टू इन रेड एंड ब्लू
एंड ग्रीन, और बच्चे दो दो की तादाद में चल रहे थे, यानी दो रेड, दो ब्लू एंड दो ग्रीन. इस तरह से उन्होंने अपना एक कम्बिनेशन बनाया हुआ था और प्रोसेशन में जा रहे थे, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा हो. और ये आलमोस्ट 6,000 बच्चे यहाँ पे शो होते हैं जो उस इस तकरीब का हिस्सा थे. Grey headed beetles walked before with wands as white as snow. अब ये जो grey headed beetles है, ये है beetles शो करता है मालाओं को, ये जो सुनहरे बालों वाले, सफ़ेद बालों वाले अशखास जो उनके गाइड्स उनके आगे चल रहे हैं, उनके हाथों में वाइंड्स है. वाइंड मीन होता है छड़ी, और वो ऐसी सफ़ेद है जैसे कि स्नो है. अब छड़ी ये शो कर रहा है कि वो अथॉरिटी में है, वो इनको गाइड कर रहे हैं, इन पे रूलिंग कर रहे हैं, और इनको अपनी कंस्ट्रक्शन में, अपनी इंस्ट्रक्शंस में आगे लेकर जा रहे हैं. टिल इन टू द हाई डोम ऑफ फॉल्स दे लाइक थेम्स रिवर फ्लो. अब ये जो फॉल्स है, ये वही एसटी फॉल्स है. एसटी फॉल्स से ये निकले हैं उनकी अथॉरिटी में, उनकी डिसिप्लिन में, उनके निगरानी में. किन की निगरानी में? जो इनके गार्ड्स थे, जो इन पर आपस में समझ लें इनके ऊपर जो हुकूमत कर रहे थे, जो उस चर्च के आला पोस्टस पे लोग थे, जो जिनकी ड्यूटीज़ थी कि बच्चों को एसटी फॉल्स से जो है एसटी फॉल्स तक लेके जाना है, और ये अपने 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 एरियों से निकले हैं. और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो रिवर थेम्स की तरह फ्लो कर रहे हैं, बहते हुए पानी की तरह जा रहे हैं, इस तरह से वो निकले हैं. Till into the high dome of the falls they like Thames river flow. अब ये जो Thames है, इसका कैपिटल लेटर याद रखना है, हमें कुछ नाम याद रखने होंगे. Thames का नाम याद रखना होगा, Thames आ गया, इनके कलर्स आ गए, इसके साथ एस्टी फॉल्स आ गया, होली थर्सडे आ गया, ये डिफरेंट नेम्स हैं, असेंशन डे आ गया, ताकि हम जब इसकी डिस्क्रिप्शन करें तो उसमें ये हमारे काम आ सके. पहले में उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन बताई है, बच्चे जा रहे हैं मार्चिंग करते हुए, और दरियाए थेम्स की तरह लग रहे हैं, और उनके आगे उनके गार्ड्स हैं. अभी कोई तनकीद वाली बात नहीं हुई, लेकिन वो तनकीद दिखा दी जो उनके हाथों में छड़ी दिखाई है. वेंट ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन. लंदन टाउन इज़ अ अंडरलाइंड वर्ड. ये लंदन टाउन्स कहा गया है उन बच्चों को जो लंदन के फूल हैं, और कितने रंगीन लग रहे हैं, और कितने डिफरेंट कलर्स में हैं, और फ्लावर लग रहे हैं. सीटेड कंपनीज अब बैठे हुए हैं कंपनीज में, अपनी अपनी सोबत में. दे सिट विद रेडियंस ऑल दियर ओन, और वो बैठे हैं रेडियंस अपनी ही चमक के साथ, अपनी मासूमियत की चमक के साथ, अपने भोलेपन की चमक के साथ, अपनी सादगी की चमक के साथ. बच्चे हैं, इनोसेंस में हैं. द हम, ये जो हम है, ये जो हामद है, ये जो गुनगुनाना है, जो भी वो कुछ गुनगुना रहे हैं. ऑफ मल्टीट्यूड्स वाज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लेम्स. लेम का जो तासुर है, ये विलियम ब्लेक की बहुत सी पोइम्स में आता है, और ये इससे मासूमियत लगा लें, इनसे हज़रत ईसा की जो है आके इन लेम्स को ट्रेंड करने वाली बात लगाएं, इन सब के साथ इनके ये थीम में बहुत यूज़ होता है. इन्होंने अपनी पोइम्स में लेम का बहुत जिक्र किया है. और ये जो 1000 बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, और ये गुनगुना रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जब मासूमियत के जो है भेड़ों के और बैठे हुए हैं, झुंड बैठे हुए हैं. उन्होंने पहले सिंबली दे दी उसे दरियाए रिवर से, और अब उसे जो है सिंबलाइज कर दिया लेम से. Thousands of little boys and girls raising their innocence hands, raising their innocence hands, अपने मासूम हाथ उठाए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, और इनके फेसेस खूबसूरत हैं, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं. Third stanza. Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of songs. अब ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बड़ी ही ताकतवर किस्म की हवा चल रही है, जो इनकी आवाज़ आसमानों तक ले जाएगी, जो वो वहाँ पर हम्स गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं. और लाइक हारमोनियस थंडरिंग द सीट्स ऑफ हेवन द मॉन्क्स. हारमोनियस कर देगी, हम आहंगी पैदा कर देगी, किस गरज में, ये जो आसमानों के दरमियान है वहाँ तक उनकी आवाज़ जाएगी और आसमान को खिला कर रख देगी. Beneath them sit the aged man, wise guardians of the poor. अब नीचे बैठे हुए हैं वो बूढ़े अशखास, जो वो बड़े वाइस मैन बनते हैं, बड़े अमीर लोग हैं, अक्लमंद किस्म के लोग हैं, और गरीबों की मदद करने के लिए वो वहाँ बैठे हैं. Then cherished pity least,
और ये जो चेरिश आता है ये है जनाब, पसंद करते हैं पिटी के वो तरस खाएं लीस्ट एक जैसी, यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। अब यहाँ पर उन्होंने टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की है कि ये जो वाइस मैन बैठे हुए हैं, इज्जत बैठे हुए हैं, ये तरस खाते हैं उन भूखे और गरीब बच्चों पर जो इस लंदन की स्ट्रीट्स में हैं। लेकिन यही बच्चे जब उनके घरों में गंदे फेस के साथ आते हैं, ऐसे सजे धजे नहीं आते, तो ये उन्हें धुतकार देते हैं। अभी तो ये बैठे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये चैरिटी देंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम कमाएंगे, अपने लिए क्लैपिंग कमाएंगे। लेकिन जो ही ये बच्चा अकेला इनके पास जाएगा किसी किस्म की मदद हासिल करने के लिए, तो ये उन बच्चों की मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर ये तनकीद कर रहे हैं उन लोगों पर जो लोगों के सामने चाहते हैं कि हम अपनी शोशा दिखाएं, लेकिन इन साइड वो कोई भी इमदाद किसी भी किस्म की करने को तैयार नहीं होते हैं। अब इसी की जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन ली है वो ली है हम लोगों ने करंट नोट्स से, और करंट नोट्स में इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन बहुत अच्छी है। इससे पहले भी हम चुके इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो इन पॉइंट्स को फटाफट रीड कर लेते हैं ताकि हमारा कोई पॉइंट मिस मत हो जाए। क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट होली थर्सडे वन एंड होली थर्सडे टू। ब्लेक्स, ये क्वेश्चन आ गया दोनों का, चूँकि थीम एक ही है, इनकी बस लाइंस का डिफरेंस हमें अंदाज़ा होगा, बातें भी एक ही किस्म की हो रही हैं। यहाँ पर वो सिमलीज और उनके इमेजेस का डिफरेंस है, वहाँ पर सिमली और इमेजेस का डिफरेंस है। यहाँ पर भी वो सॉन्ग्स की बात कर रही हैं, वहाँ पर भी सॉन्ग्स की बात कर रही हैं। यहाँ पर भी वो इन्हें चैरिटी के एस्टीपोल्स की कैथीड्रल की बात कर रही हैं, वहाँ भी बात करेंगे। यहाँ भी असेंशियल डे है, वहाँ भी असेंशियल डे है, तो सो बोथ का कंपेयर एंड कंट्रास्ट में दोनों का जिक्र आ जाता है। Okay, the poems, the dramatic setting refer to a traditional charity school service at Asti Paul's Cathedral. ये जो पोइम है इसकी ड्रामेटिक सेटिंग है, बड़ी ड्रामाई किस्म की इसकी सेटिंग की गई है, जो कि तवज्जो दिलाती है, हवाला देती है उस रिवायती चैरिटी का, उस रिवायती चंदे वाले स्कूल का, चैरिटी स्कूल का, जो चंदा लेने वाले स्कूल की खिदमात हैं कहाँ पर, एसटी पॉल्स के थ्रीडल में, जो उसने पेश की थी उस स्कूल ने जो चंदे पे चलता था ऑन असेंशन डे। असेंशन डे पर, असेंशन का मतलब होता है मेराज, अरूज, ऊपर चले जाना, उस दिन पर। दीज चैरिटी स्कूल्स वर पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड। ये जो चैरिटी स्कूल्स थे ये वो इदारे थे जिन्हें लोग चंदा देते थे, इनके इस्टेब्लिश्ड, इनका कायम करने के लिए, इनका ख्याल रखने के लिए, टू केयर फॉर, कि इनकी देखभाल करें, एंड एजुकेट, और एजुकेट करें किन को, द थाउजेंड्स ऑफ ऑर्फन्स, हज़ारों यतीमों को, एंड अबंडेंट चिल्ड्रन इन लंदन, और वो बच्चे जो छोड़ दिए जाते हैं यानी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उन्हें वो यतीम खानों में भेज देते हैं, उन बच्चों के, एक तो वो पहले यतीम होते हैं जिनके माँ बाप मर जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये उनका पॉइंट था जो सोसाइटी में उनकी हो रहा था। द फर्स्ट स्टेंजा, जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा है, कैप्चर्स द मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल टू द चर्च। ये वही जो जैसे दरिया की तरह वो बहते जा रहे थे वो एसटी पॉल कैथीड्रल की तरफ, उसकी मूवमेंट को बता रहे हैं। दे लुक लाइक द वाटर ऑफ थेम्स रिवर, उसकी तरह लग रहे थे, विच फ्लोज थ्रो द हार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के दिल में बह रहा था, लंदन के फूल लग रहे थे। एंड द सेकेंड स्टैंस हियर द मेटाफर फॉर द चिल्ड्रन चेंज, यहाँ मेटाफर सडनली चेंज हो गया है। फर्स्ट दे बिकम फ्लावर ऑफ इनोसेंट, फ्लावर ऑफ लंदन टाउन लग रहे थे, कि भाई लंदन के फूल हैं। देन दिस कंपेरिजन, ये जो मुआजना था, एम्फसाइजेस, दबाव डालता है, बढ़ाता है देयर ब्यूटी एंड फ्रिगेलिटी, फ्रिगेलिटी उनकी ब्यूटी, उनका नाजुकपन, उनकी खूबसूरती बढ़ा देता है। इट अंडरकट्स होता है, कीमत कम कर देता है किसकी, द अजम्पशन, अजम्पशन उस जिम्मेदारी की, डैट दीज डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, ये डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, ये जो बेचारे मायूस बच्चे हैं, इनके पास जो जिम्मेदारियां हैं उनकी कीमत कम कर देता है। उनकी ब्यूटी और उनकी नाजुक मिजाजी तो बताई गई है, लेकिन उन दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन किया गया है। चिल्ड्रन आर द सिटीज रिफ्यूज। अब ये जो शहर के बच्चे हैं वो इनकार कर देते हैं, एंड बर्डन और बोझ बन जाते हैं, बट द पॉइंट आयरोनिकली रेंडर्स, रेंडर्स होता है तशरीह पेश करते हैं, तशरीह करते हैं, आयरोनिकली, आयरोनिकली है उस बात का उलट दिखाना,
यानी दिखानी सीधी और लगानी उल्टी। आयरोनिकली उन्होंने पेश किया है, बताया तो उन्हें बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब सेकंड लिखेंगे तो वो इसका ओपोजिट सिचुएशन भी हमें दिखाएंगे। देम देम अब उन्होंने किया आयरोनिकली रेंडर्स देम उनको इंस्टेड इसके बजाय एज लंदन फेयरेस्ट एंड फाइनेस्ट के वो लंदन के बड़े फेयरेस्ट और फाइनेस्ट और बड़े उम्दा किस्म के हैं, मासूमियत पे ही बात कर दी। नेक्स्ट द चिल्ड्रंस आर डिस्क्राइब्ड एज रिसेम्बलिंग लेम्स, अभी बात की थी हमने ऊपर के वो लेम्स की तरह भी उनको तशबीहा दी जा रही है इन दियर इनोसेंस, क्योंकि वो मासूम हैं एंड मीकनेस और शर्मीले हैं, एज वेल एज जैसे कि द साउंड ऑफ देयर लिटिल वॉइस उनकी जो मासूम आवाज़ें हैं। द मेटाफोर लेम लिंक्स द चिल्ड्रन टू द क्राइस्ट, जो हमने बताया कि विलियम ब्लेक लेम का यूज़ करते हैं क्राइस्ट का रेफरेंस देने के लिए, उनकी मासूमियत को हवाला देने के लिए। एंड रिमाइंड्स और याद करवाते हैं द रीडर ऑफ जीसस, जीसस के रीडर्स को स्पेशली टेंडरनेस एंड केयर फॉर चिल्ड्रन, ये जो बच्चों के लिए नरमी का जज्बा उनका ख्याल रखना है उसको याद कराते हैं, किचों का ख्याल रखते थे। As the children begins to sing in the third stanza, जैसे ही वो third stanza में गाना शुरू करते हैं, they are no longer just weak and mild, तो वो weak और mild नहीं रहते हैं। The strength of their combined voices, जो उनकी ज़ुबान उनकी आवाज़ आपस में मिल जाती है, जमा हो जाती है, race toward God, तो वो God तक भी पहुँच जाती है। Evokes, जो पुकारते हैं, evokes होता है पुकारना something, किसी चीज़ को more powerful, ज़्यादा ताकत से, and puts them in direct contact with heavens, और वो उनका सीधा ही रابطہ खुदा से करवा देती है। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ देखते हैं, द फाइनल लाइन advises compassion for the poor, moreover the visual and symbolic picture given in the first two stanza contains a number of unsettling aspects. Final stanza mein hame nasihat ki jati hai compassion us jazbe ki, us gareeb ki, us jazbe ki, moreover the visual, ab wo visual nahi rehta, एंड सिम्बोलिक पिक्चर, और सिम्बोलिक पिक्चर भी नहीं रहती गिवन इन द फर्स्ट टू स्टेंसेस, जो स्टेंसेस में उन्होंने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, सिम्बोलिज्म यूज़ किए, इमेजेस यूज़ किए अपने थीम को बताने के लिए, लेकिन थर्ड में आके उन्होंने उन थीम्स को कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट पाथ पे आ गए थे। कंटेन्स अ नंबर ऑफ अनसेटिंग एस्पेक्ट्स, यहाँ पर उन्होंने बहुत से गैर तरतीब किस्म के अनासिर को सेट किया है, उन पर मुश्तमिल बनाया है अपने फाइनल लाइन्स को। The mention of the children's clean faces suggest, ये जो सबसे पहले हमने पढ़ा था उनके clean faces क्या बताते हैं, that they have been tied up, कि उन्हें अब बड़ा साफ सुफ कर दिया गया है for this public occasion, इस public को ये occasion के लिए, that their usual state is quite different, और इनकी usual state उनकी मामूल की हालत इससे बहुत मुख्तलिफ है, आज उनको नला धुला कर नए नए कपड़े पहना कर लाया गया है, लेकिन जब वो घर जाएंगे वो कपड़े उनसे वापस ले लिए जाएंगे, कभी अगले साल जिन बच्चों ने पहने हैं उनके लिए रखो, फिर वो अपनी उसी गुर्बत की हालत में चले जाएंगे। अभी तो बड़े नीले पीले ग्रीन सब कपड़े उन लोगों ने पहने हुए हैं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा, ये उनकी यूजुअल स्टेट से बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। द पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लव एंड चैरिटी, और ये जो लोग होते हैं ये मुफलिस बेजार और गरीब लोगों के लिए जो चंदा करते हैं, कंसील्स छुपाता है द क्रुएल्टी, किसको उस जुल्म को छुपाता है, टू विच इम्पैवरिश्ड किया जाता है, कि इनको उनको बदनुमा बना दिया जाता है। चिल्ड्रन वर ऑफन सब्जेक्टेड, और चिल्ड्रन हमेशा उस मौजू में एक उनके जुल्म के एक जो है बदनुमा धब्बा उन चिल्ड्रन को बर्दाश्त करना पड़ता है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है, जो नारवा सलूक किया जाता है उन बच्चों के साथ जो इन चैरिटी स्कूल्स में पलते हैं, जो गरीब होते हैं, फीस नहीं दे सकते, अखराजात नहीं उठा सकते, उन पर उन्होंने डिस्प्ले किया है कि अभी तो बड़ा लव हो रहा है, अभी तो बड़ी ने चैरिटी मिलने वाली है, लेकिन वो क्रुएलिटी जो है वो सब कुछ इनसे छीन छून लेंगे, और फिर बाद में उनको अपनी उसी एक्चुअल हालत में जाना पड़ेगा। आगे चलें तो हमें बताते हैं, मोर एवर द ऑर्डर लाइन्स ऑफ द चिल्ड्रंस मार्च, ये जो चिल्ड्रन मार्च की जो ऑर्डर लाइन्स हैं, एंड द ओमिनियस वर्ड, ये जो ओमिनियस थी, ये जो वर्ड थी, ये जो
چھڑی تھی نظم و ضبط والی، میں بتا رہی تھی کہ بھئی ہم بچوں کا نظم و ضبط بڑا رکھتے ہیں، بچوں کو بڑا اپنے آرڈر کے مطابق چلاتے ہیں. اوپر والے پیراگراف پہ ہی ہم ہیں. اومینیز وینڈ آف دا بیڈلز سجیسٹ ریجیڈیٹی، سختی دکھاتی ہے یہ جو وینڈز ہے، یہ جو ان کے ہاتھوں میں چھڑیاں تھیں اور ان کے جو مالائیں تھیں وہ سختی دکھا رہی تھیں، وائلنٹ دکھا رہی تھیں، تشدد کی علامت دکھا رہی تھی، اتھارٹی بھی دکھا رہی تھی. ایک وینڈ میں کتنی سمبلس ہیں وہ دکھا رہی تھی. ریدر دین چیریٹی، چیریٹی تو لگ ہی نہیں رہی تھی، اینڈ لو، اور لو بھی نہیں لگ رہا تھا. لاسٹلی دا ٹیمپیسٹیوزیسنس، ٹیمپیسٹیوزیسنس طوفان خیز، ہنگامہ خیز آف دا چلڈرنز سانگ. اینڈ میں جب چلڈرنز نے آ کے جو وہ سانگ کیا، سانگ شروع کیا، تو پھر انہوں نے اپنے دل کی ساری بھڑاس نکالی ہے، جو جو ان کے حالات تھے انہوں نے اپنی گانے کے ذریعے بتا دیے. کیریز اے سجیشن، اور اس میں ان کی ایک سجیشن، ایک تجویز تھی. اب ہم سیکنڈ پیج پر آ رہے ہیں، آف ڈیوائن، اور وہ تجویز کس کی تھی؟ ڈیوائن، پاکی کی، ریت، غصے کی، اینڈ ونجنس، اور انتقام کی. یہ ساری سجیشنز تھی ان کے پاس کہ ہمیں غصہ بھی ہے، ہمیں ان اتھارٹیز پہ، ہمیں ان سے انتقام بھی لینا ہے، اور ہم ڈیوائن ہو کے بڑا سیدھے ہی خدا سے ہی مانگتے ہیں. دا پوئم کنٹینز اینڈ انڈر کرنٹ آف آئرنی. یہ ہمارے مین پوائنٹس ہیں، انڈر لائنڈ ہیں اور ہائی لائٹڈ بھی ہیں. ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پوئم میں موجود کیا ہے، ایک خفیہ قسم کی آئرنی. ایکسکیوز می، آئرنی وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کو الٹ جو ہے بتایا جائے، اچھی حالت کی دکھایا جائے لیکن اندر سے وہ ویسا نہ ہو. دا پوئم ہیز تھری اسٹینزاز، تین اسٹینزاز ہیں، ایچ کنٹیننگ ٹو رائمڈ کپلٹ، دو دو رائم کپلٹ ہیں. دا لائنز آر لانگر دین از ٹیپیکل فار بلیکس سانگس. یہ ہمیں انہوں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ لائنز اس سانگ کی لینتھ ہی ہیں دوسرے سانگس کی بہ نسبت. اینڈ دیئر ایکسٹینشن، اینڈ دیئر ایکسٹینشن جیسٹ، اور یہ جو ایکسٹینشن ہے اس کی توسیع بتاتی ہے. دا ٹرین آف چلڈرن پروسیسنگ، ان کا یہ جو پروسیس تھا، ان کا جو جلوس تھا ٹوورڈز دا کیتھیڈرل، جو اس چرچ کی طرف جا رہا تھا. اور دا فلوئنگ ریور ٹو وچ دے آر ایکسپلیسٹی کمپائرڈ، واضح طور پر کمپائرڈ ان کا موازنہ کیا گیا ہے. ریور فلو، کہ وہ سمندر کی طرح جا رہے ہیں، واضح طور پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ گھر سے نکلے ہیں اور بہتے ہوئے دریا کی طرح وہ ایسٹی فالس کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے جا کر وہ اپنے لیے اور یہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے چیریٹی حاصل کریں گے، اور اپنے لیے تو وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اپنے لیے تو وہ پھر انہی حالات پر آ جائیں گے جو وہ اپنے سانگ میں بتاتے ہیں. اسی سانگ کی وہ جب پارٹ ٹو میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ ہمیں پھر بتاتے ہیں کہ آخر یہ سانگ ہے کہ یہ ایک ٹرمبلنگ کرائے ہے، لگ نہیں رہا کہ یہ سانگ ہے، یہ تو ان کی آنکھوں بکا محسوس ہو رہی ہے. تھینکس اے لاٹ ساتھیوں، بہت بہت شکریہ واچنگ دس ویڈیو. پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کامنٹ اپون آور چینل so we could work more better than this time. Okay, Allah Hafiz.